दोस्तों सिंघम अगेन रोहित शेट्टी की एक नई अपकमिंग मूवी आने वाली है। आपको तो पता होगा ही सिंघम फ्रेंचाइजी का यह तीसरा किस्त है, सिंघम अगेन 3 है, जो वो आने वाली है दिवाली के दिन। जो ये भूलभुलैया 3 के साथ कार्तिक आर्यन की जो मूवी है उसके साथ डायरेक्टली ये कलेश करने वाली है। आपको पता होगा इसका पहले जो रिलीजिंग डेट था वो 15 अगस्त था, लेकिन 15 अगस्त को आपको पता है कि आ रही थी पुष्पा 2, लेकिन उस समय ये मूवी पोस्टपोन हो गई पुष्पा 2 की वजह से। लेकिन पुष्पा 2 भी उस समय नहीं आया, पुष्पा 2 अब दिसंबर में आने वाला था, लेकिन ये मूवी अब दिवाली के समय आ रही है। तो दो मूवी बॉलीवुड की एक साथ टकराने वाली है, एक हॉरर मूवी होने वाली है और एक ये जो है सिंघम अगेन ये एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। लेकिन आपको तो पता होगा इसका प्रॉपरली शूटिंग कंप्लीट हो चुका था कश्मीर में, जो मतलब लास्ट का सीन था वो कंप्लीट शूट हो गया था। लेकिन क्या पता क्या ऐसा मतलब दिमाग में रोहित शेट्टी का भूचाल आया, कुछ उनको मतलब इस मूवी के शूटिंग में गड़बड़ी लगा, उन्होंने इस मूवी को पूरा देखा तो इसके बाद वो कुछ सीन कट करके इसका फिर से जो क्लाइमेक्स का शूटिंग है यानी कि लास्ट वाला वो फिर से शूट करने लगे हैं। आपको मैं बता दूं इस ये जो शूटिंग है ये लास्ट वाला सीन है मूवी के एंड पार्ट का शूटिंग जो है वो स्टार्ट है, पूरे पार्ट का नहीं मूवी का जो लास्ट वाला पार्ट है उसका शूटिंग स्टार्ट हो गया है फिर से। और बोला जा रहा है कि ये जो शूटिंग लास्ट वाला पार्ट है वो बहुत बड़ा शूटिंग होने वाला है। और मैं आपको बता दूं सिंघम अगेन क्लाइमेक्स सीन चेंज होने वाली है, पहले क्लाइमेक्स जो सीन थी वो कुछ और थी लेकिन अब क्लाइमेक्स सीन सिंघम अगेन की चेंज होने वाली। इस फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस में आपको बता दूं कई किरदार राक्षसों का होने वाला है, गेटअप में आप कई जो किरदार है इस मतलब क्लाइमेक्स सीन जो सिंघम अगेन का होगा कई किरदार इसमें जो नजर आने वाले हैं राक्षस के गेटअप में नजर आने वाले हैं ये बोला जा रहा है, जो कहानी में एक नया मतलब मोड़ लाएगा, नया ट्विस्ट लाएगा ये बोला जा रहा है। रोहित शेट्टी गोल्डन टेबाकू फैक्ट्री में इस मूवी का शूटिंग शुरू कर चुके हैं। सिंघम अगेन के क्लाइमेक्स सीन में एक दो नहीं बल्कि 500 लोग राक्षस के गेटअप में नजर आने वाले हैं, ये मैं नहीं खुद ये इस मूवी का प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी ने बोला है। और इसकी शूटिंग जो है क्लाइमेक्स सीन की सिंघम अगेन की जो क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग होने वाली है वो 11 सितंबर को स्टार्ट होगी। और इस शूटिंग में साथ साथ आपको नजर आएंगे अक्षय कुमार और अजय देवगन भी नजर आएंगे क्योंकि इनका इस शूटिंग क्लाइमेक्स सीन का शूटिंग में जरूरत है, तो इसीलिए ये दोनों भी नजर आने वाले अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों ही। तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये अपडेट कैसा लगा और इस सिंघम अगेन में यानी कि सिंघम 3 का क्लाइमेक्स सीन का बिग चेंज होने वाला है, कुछ ज़्यादा बजट भी इसमें लगने वाला है, तो देखेंगे क्या इसमें मतलब होगा। और बोला ये भी जा रहा है कि इससे मूवी में ज़्यादा ट्विस्ट आएगी और बोला जा रहा है कि इसमें यही पता चलेगा कि सिंघम 4 भी आने वाला है, ये भी रिवील किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, मूवी जैसी आती है, मूवी को बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए रिलीज होने में, बहुत ही जल्द मूवी आने वाली है, करीब 2 महीने दिवाली की रह गए तो 2 महीने के बाद हमें सिंघम 3 देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे सर चैनल के साथ, जय हिंद वंदे मातरम, जय श्री राम।